नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में बहुत बहुत आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक बार आपके सामने एक नया कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, नया नहीं, इस कंपनी के बारे में बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर स्टॉक में इतनी भारी भरकम गिरावट क्यों हो रहा है, और आपने जो रेंज पहले दिखाया था इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न में, वो रेंज भी ब्रेकआउट कर चुके हैं, अभी मैं क्या करूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे शॉर्ट टर्म के लिए भी क्वेश्चन आए हैं, तो मैं बहुत इन टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। तो जितने सारे शॉर्ट प्लेयर्स हैं, जैसे ऑप्शंस में काम करते हैं, तो उसके लिए इस कंपनी के ऊपर क्या क्या होने वाला है, उन्होंने भी कमेंट किया, सर इसके ऊपर कुछ काम क्या कर किया जा सकते हैं। देखिए, मैं पहले बता दूँ, इसके ऊपर कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, मतलब कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं है, तो आप कैश में ही काम कर सकते हैं। और इस कंपनी के ऊपर एक बात मैं बता दूं, कंपनी के ऊपर जो मैं रेंज आपको दिया था, उस रेंज ब्रेकआउट हो चुके हैं, उस रेंज डाउन साइड में ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो अभी कौन सा लेवल तक आएगा उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि आज का जो कंपनी का डिटेल्स है वो है डीमार्ट, जिसको आप एवेन्यू सुपरमार्ट नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं राधा किशन दमानी जी, उनके ही कंपनी है, जो राकेश झुंझुनवाला जी के ही गुरुजी है। मतलब उन्होंने ही इस सारे स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी उनसे ही उनको, मतलब राकेश जी को मिला है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। और क्या इस टाइम में आपको मौका मिला है कि इस मौके के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फायदा उठाना चाहिए, तो सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो चलो एक एक करके डिटेल्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लर्निंग और अर्निंग के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन ही करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। टेक्निकली चार्ट पैटर्न ध्यान से देखिएगा, ये जो कैंडल पैटर्न बन रहा है, एक एक करके कैंडल 1 वीक का है, मतलब 1 वीक का कैंडल में हमेशा इसीलिए देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग टर्म ट्रेडिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। आप 1 डे कैंडल के ऊपर भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, मगर 1 वीक के कैंडल में आप करेंगे तो आपको हायर चांसेस होगा एक पॉसिबिलिटी देखने के लिए। तो देखिए, एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था, यहाँ पे जो कोविड के सिचुएशन में कंपनी के जो लोअर साइड था, आप कोविड के सिचुएशन में इसका लोअर साइड देखेंगे तो यहाँ पे लोअर साइड था करीबन करीबन 1700 रुपीज के आसपास, 1730 रुपीज के आसपास यहाँ पे लेवल देखने को मिला था। उसके बाद देखिए, कंपनी ने धमाका किया और कंटिन्यूसली ग्रोथ किया, 1700 लेकर कंपनी 6000 तक गया। तो सोचिए, कंपनी आपका फंड 4 गुना के आसपास कर चुके थे, 3 से 4 गुना के आसपास कंपनी कर चुके थे। उसके बाद देखिए, हायर लेवल से स्टॉक में भारी भरकम गिरावट दिखाया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिग एक सपोर्ट मिला, उस सपोर्ट को टच किया और उसके बाद रिबैक किया। आप कहेंगे, सर यहाँ पे सपोर्ट कल क्यों बना? देखिए, मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, हायर साइड में गया, उसके बाद देखिए रिटेस्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद बहुत बड़ा तेजी देखने को मिला। इसका मतलब ये जो रेंज बना, इस रेंज को बोला जाता है एक बिग रेजिस्टेंस, एक बिग सप्लाई जोन। तो सप्लाई जो था वो सप्लाई को डिमांड जोन में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट किया, और उसके बाद देखिए बिग रैली देखने को मिला। तो वो ही जोन को यहाँ पे एज ए सप्लाई सॉरी एज ए सपोर्ट जोन यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो ही सपोर्ट जोन को टच किया, उसके बाद देखिए रीबैक किया, तो देखिए उसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से स्टॉक में गिरावट हुआ। मैं आपको रेंज बताया था कि इस रेंज के अंदर ट्रेड करेंगे जब तक, तब तक आप ठीक ठाक है, अगर कोई अपर साइड में तोड़ा तो अपर साइड में जाएगा, अगर लोअर साइड में तोड़ा तो लोअर साइड में जाएगा। अगर आप देख सकते हैं, पिछले दिनों में एक गैप डाउन में ओपन हुआ, मार्केट में भारी भरकम पेशार देखने को मिला, किसके कारण पेशार है मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए, जो ब्रेकआउट हुआ, उस ब्रेकआउट के कारण मुझे लगता है यहाँ पे जो कैंडल बना है, इस कैंडल के नीचे अगर कोई भी ट्रेड शुरू हो तो आपको फिर से इस लेवल तक, मतलब इस लेवल तक आ सकते हैं फिर से ट्रेड, मतलब 3214 के आसपास आ सकते हैं। अभी कितना चल रहा है, 3600 करीबन 80 के आसपास। तो देखिए, आएगा क्या नहीं आएगा वो तो आपको देखने को मिलेगा ही, एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है तो हायर चांसेस है उस रेंज तक वो जाएगा जाएगा करके। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्यों इस तरीके से गिरावट हुआ, इस तरीके से गैप डाउन में क्यों गिरावट हुआ, उसके पीछे लॉजिक क्या है, चलो मैं आपको लॉजिक दिखा देता हूँ। लॉजिक है कंपनी का रिजल्ट। अब डीमार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया, उस रिजल्ट के ऊपर ही कंपनी का हालत आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ, देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो कंपनी 11,000 करोड़ का, 11,600 करोड़ का इस बार इनकम किया। पिछले बार कितना था, 10,600 था, पिछले सालों में 9,200 था। इसका मतलब इनकम में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, इनकम तो ठीक ठाक ही है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, चलो मैं आपको प्रॉब्लम्स दिखा देता हूँ। तो टोटल कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ, 10,700, यही पे प्रॉब्लम्स बन गया,
कंपनी इनकम जितना किया उसके हिसाब से एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो यहाँ पे देखिए, इनकम जितना हो उसके हिसाब से एक्सपेंस को कंट्रोल में लेके आया, पिछले बार भी कंट्रोल में लेके आए थे, पिछले क्वार्टर में 9,900, पिछले साल में 8,400। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो है, जो नेट प्रॉफिट जो टैक्सेस पे करने के बाद आपको देखने को मिला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस करीबन 589 करोड़, पिछले बार था 685 करोड़, पिछले साल में था 552 करोड़। इसका मतलब इनकम का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ पिछले क्वार्टर से कम हुआ। देखिए आप कहेंगे सर पिछले सालों में, सालों से तो अच्छा हुआ, तो इस बार क्वार्टर ऑफ क्वार्टर कम हुआ तो इसमें क्या खतरा है? बिल्कुल खतरा है। मान के चलिए आप एक बाइक खरीद खरीद के लेके आए थे 2000, मतलब मान के चलिए 2010 में, तो उसका जब जो प्राइस था तब, तो क्या अभी वही प्राइस है? कई गुना ज्यादा प्राइस बढ़ चुके हैं। तो प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है, तो इसलिए कंपनी प्राइस बढ़ा दिया। तो सेम टू सेम अगर कंपनी को वो सस्टेन करना है, कंपनी को बड़ा करना है, तो पिछले बार जो इनकम हुआ था उससे भी कई गुना ज्यादा इनकम बढ़ना चाहिए था, मगर उसको बढ़ा नहीं पाया। तो यही एक कारण है जिस कारण के ऊपर स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो गिरावट किस तरीके से आप देख सकते हैं, 4.5% का गिरावट हो गया, मार्केट ओपन होने के बाद ही गैप डाउन में ओपन हुआ। तो क्या इस गैप डाउन के हिसाब से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी को छोड़ देना चाहिए? देखिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आप इस तरीके से कंपनी को छोड़ देंगे और इस तरीके से मौके का फायदा आप नहीं उठाएंगे तो आप गलत दिशा जा रहे हैं, क्योंकि ये बेस्ट कंपनी है। कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना, 2,40,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। हाँ वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत हाई है, उस हिसाब से एडजस्टमेंट तो होगा ही, स्टॉक में गिरावट तो आपको दिखेगा ही, क्योंकि कंपनी के 1 रुपया पाने के लिए 100 रुपया पेमेंट करना एक बहुत बड़ी बात होते हैं, मतलब बहुत बड़ा आपको मतलब पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर्स आप देखेंगे तो बेस्ट बेस्ट मुझे देखने को मिला, कोई भी कर्जा नहीं है, अच्छा खासा इनकम होने के बाद भी। तो कंपनी के डिविडेंड कंपनी आज तक नहीं दिया, कंपनी डिविडेंड नहीं दिया इसके लिए अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। तो रिटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए 27%, 13%, तो इस तरीके से डिविडेंड सॉरी इस तरीके से रिटर्न आपको दे चुके हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कंपनी में कभी भी कैश फ्लो नेगेटिव में नहीं आया, और उससे भी बड़ी बात है जितने सारे पब्लिक निवेश करके रखा उतना ही व उससे भी ज़्यादा FIS और DIS ने भी माल उठा कर रखा। और आप कहेंगे सर FIS और DIS ने तो यहाँ पे थोड़ा सा माल बेच दिया, हाँ बेचा तो जरूर, क्योंकि स्टॉक में गिरावट जो हो रहा है उस हिसाब से वो बेचेंगे, उससे नीचे जब आएंगे फिर से वो बाइंग कर लेंगे। तो आप शायद देखेंगे फिर से स्टॉक में अगर रिकवरी हुआ तो नेक्स्ट जो फोर्थ क्वार्टर आएगा तो वहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से वो रिकवरी हो जाएगा। इस तरीके से काम तो चलते रहते हैं। तो कंपनी के ऊपर अंत में एक ही बात कहूंगा, आपको एक मौका दिया जा रहा है, तो जितने सारे दोस्त आप कहेंगे सर क्या अभी निवेश करना चाहिए, तो थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा, और भी थोड़ा सा गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है, इस तरीके से मुझे सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो सस्ते से सस्ते दाम में मिले तभी अब निवेश करना। तो इस कंपनी के बारे में जानकारी कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।